हेलो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अंकिता फ़्रेंड्स आज का ये वीडियो होने वाला है एक हैक वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अमेजिंग से हैक्स फॉर न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो मैंने बनाया है उन गर्ल्स uh, के लिए मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और जब हमारी नई शादी होती है फ्रेंड्स तो हमें बहुत सारी चीज़ें uh, जो होती हैं हमारे लिए नई होती हैं चाहे वो सिंदूर लगाना हो चाहे वो साड़ी पहनना हो चाहे वो हेयर स्टाइल बनाना हो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं सो so, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में पहली बार आती हैं हम पहली बार उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं सो so, आज का ये वीडियो मैंने उन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखकर बनाया है जिसमें मैं मैंने इंक्लूड किया है मेकअप हो या सिंदूर लगाना हो या साड़ी ड्रेपिंग हो सो so, कुछ इन्हीं पॉइंट्स को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि इनसे जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे से हैक्स हैं जो कि आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपके साथ कुछ हैक्स को शेयर कर और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स so सो सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लश हैक जिसमें मैं आप को सजेस्ट uh, करूँगी कि आप क्रीम ब्लश अप्लाई कीजिए क्योंकि जो क्रीम ब्लश होता है वो ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा उभर कर दिखाई देता है मतलब ज़्यादा uh, अगर आप पाउडर ब्लश यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल uh, सा दिखाई देता है तो क्रीम ब्रश के लिए यहाँ पर आप कोई भी uh, इस तरीके की न्यूड शेड लिपस्टिक ले लीजिए या फिर जो भी आप पिंक uh, या रेड या जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है हल्का सा आपको उसको अपने चीक्स पे अप्लाई करना है और उसको ब्यूटी ब्लेंडर या हाथों तो की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर दीजिए और उसके बाद आप अपना रेस्ट ऑफ मेकअप कीजिए लाइक आपको uh, उसके बाद आपको लूज़ पाउडर वगैरह जो भी लगाना है उसके बाद अप्लाई कीजिए तो वो आपका स्किन अंदर से ग्लो uh, दिखाई देगा इस ब्लश का तो ये वाली ट्रिक आप जरूर करके देखिएगा फ्रेंड्स पाउडर uh, ब्लश से बहुत अच्छा लगता है क्रीम ब्लश हैक नंबर टू है एक सिंदूर हैक जिसमें कि आफ्टर मैरिज ऑब्वियसली बहुत uh, सी मांग में सिंदूर भरा हो बहुत अच्छा लगता है आ, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है एक ईयरबड लेना है और उसको आ, इसमें थोड़ा सा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाना है और उसके बाद सिंदूर उस ईयरबड की हेल्प से आपको लगाना है धीरे धीरे डिपॉजिट कीजिए सिंदूर को और अच्छे हल्के हाथों से आ, सिंदूर को थोड़ा थोड़ा डिप करते जाइए क्यू क्यूपिड बो को और अपने सिंदूर अपने मांग में सिंदूर को आ, लगाते जाइए फ्रेंड्स ये इससे क्या होता है ना कि आपका सिंदूर की जो आ, रेखा है वो बहुत अच्छी लगती है सिंदूर बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ज़्यादा बाहर निकाल कर मत लगाइए जिससे कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक आएगा तो ये है कि आपको यूज़फुल होगा फ्रेंड्स हैक नंबर थ्री है एक लिपस्टिक हैक जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर कई लोग क्रीम क्रीम लिपस्टिक लगाते हैं कई लोग मैट लिपस्टिक लगाते हैं बट वो खाने पीने में लिपस्टिक खो जाती है कहीं और बार बार आप टचअप नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको लिपस्टिक लगाने से पहले अपने पूरे लिप्स में जो भी लिप लाइनर आप यूज़ कर रहे हैं मैचिंग लिप्स लिपस्टिक से उससे आपको अपने पूरे लिप्स को फिलअप कर लेना है और उसके बाद अपने लिपस्टिक को अप्लाई करना है इससे होगा क्या कि अगर आप टचअप नहीं भी कर पा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं कुछ पानी पी रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं तो उसके बाद आपका लिपस्टिक पूरी तरीके से लिप से गायब नहीं होगा ये लिपस्टिक एंड तक काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना देता है ये टिप आपकी लिपस्टिक को तो ये हैक जरूर यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं या घर पे ही हैं तो भी आप इस तरीके के इस हैक को जरूर यूज़ कीजिएगा इससे आपकी लिपस्टिक लंबी चलेगी तो इसके बाद आपको अपना जो भी आपने लिपस्टिक लगानी है उस अपने लिप लाइनर के ऊपर आप लिपस्टिक लगा लीजिए नाउ इसके बाद हैक नंबर फोर में बात करें तो हैवी झुमकाज अगर आपको पहनना है लाइक आपको गले में बहुत ज़्यादा हैवी मन नहीं पहन कर रहा है पहनने का गले में पहनने का मन कर रहा है कानों में हैवी पहनने का मन कर रहा है तो आपको क्या करना है कोई भी एक आ, टिशू पेपर ले लीजिए उसके छोटा सा पीस लीजिए और उसको फ़ोल्ड कर लीजिए इसके बाद आपको क्या करना है अपना झुमका पहन लेना है यानी कि आपको झुमके को प्लेस करना है अपने कानों में और इस जो कागज़ है जो हमने फोल्ड किया है जो टिश्यू पेपर हमने फ़ोल्ड किया है इसको अपने झुमके में पीछे जो पीछे झुमके के इसको पिन कर देना है और उसके बाद अपने जो झुमके का पेंच होता है जिसको हम टाइट करते हैं उसको लगा लेना है ये क्या करेगा कि आपका जो हैवी झुमका आपने पहना है बिल्कुल भी वेट आपके कान में समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स आप इसको घंटों बड़े हैवी झुमका पहन सकते हैं बिल्कुल भी कानों को परेशान नहीं करता दर्द नहीं करता नाउ नेक्स्ट हैक है बैंगल्स के लिए फ्रेंड्स बैंगल्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके के कुछ टैंपल आ, ज्वेलरी स्टाइल में आप कड़ाज़ अपने पास ज़रूर रखिए और उसको प्लेन चूड़ियों के साथ स्टाइल करके प्लेन चूड़ियों के साथ पहनिए बहुत खूबसूरत लुक लगता है नेक्स्ट हैक आता है साड़ी का हैक साड़ी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है नॉर्मल जैसे कि हम प्लीट्स बनाते हैं आपको प्लीट्स बनानी है और प्लीट्स को सेटल कर लेना है अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए और उसके बाद उन सारी प्लीट्स को अच्छी तरीके से आपको पिन लगा देना है और उस पिन में आपको डालना है एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जिससे आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगी और इन सारी प्लीट्स को आपको पिन करके एक साथ पिन लगा देना है जिससे कई बार होता है ना जब नई नई साड़ी पहनना सीखते हैं तो हमारे पैर उलझते हैं प्लीट्स में और कई बार साड़ी खुल जाती है तो ये हैक आपको हेल्प करेगा जिससे कि आपकी साड़ी खुलेगी नहीं ना और नेक्स्ट हैक भी एक साड़ी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आपको सिर ढकना है आपको सारा दिन सिर ढक के रखना है तो आपका जो साड़ी बार बार खिसकती है ना खिसके इसके लिए आपको करना क्या है जो सिर पर पल्ला ले रहे हैं वहाँ पर आप जो बॉर्डर आ रहा है उस पर आप एक पिन लगा लीजिए जो कि हम साड़ी पर यूज़ करते हैं जो साड़ी पिन हम सा, यूज़ करते हैं ना वहाँ पर आपको अपनी जो भी साड़ी में लेस है या प्लेन साड़ी है आपको वहाँ पर एक इस तरीके से पिन लगा लेना है एक या दो जितना भी आपको सेफ जैसा जैसा भी आपको फील ठीक लगे इसके बाद पिन लगाने के बाद आपको क्या करना है एक बॉबी पिन लेना है और बॉबी पिन से इस पिन को अपने बालों में जो सेफ्टी पिन हमने लगाई है उसको अपने बालों में इस तरीके से फंसा देना है अब आपका जो ये पल्ला है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो गया है फ्रेंड्स अब ये पल्ला आपका कहीं भी नहीं जाएगा बिल्कुल खिसकेगा नहीं आपको बार बार खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके बाल ख़राब नहीं होंगे तो ये एक बहुत यूज़फुल है क्या फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया काम करता है इसको मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ सो ये आपके लिए यूज़फुल होगा नेक्स्ट जो है क्या वो एक हेयर स्टाइल है, है क्या फ्रेंड्स इंस्टेंट अगर आपको जूड़ा बनाना है तो इस तरीके के बालों वाले ना रबर्स बैंड मिलते हैं इसमें इस तरीके के छोटे छोटे हेयर्स वाला जो रबर बैंड होता है वो आप अपने पास रखिए इसके बाद आपको क्या करना है एक छोटा सा अपने बालों में जूड़ा बना लीजिए बस ऐसे बांध लीजिए और उसके ऊपर से इसको पहन लीजिए ये आपका इंस्टेंट बहुत ही खूबसूरत बन वाला लुक दे देता है और अगर आप पार्टी जा रहे हैं किसी के यहाँ लंच पार्टी है डिनर पार्टी है तो आप एकदम तुरंत रेडी हो जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स so ये थे कुछ हैक्स जो आपके लिए आई होप यूजफुल रहे होंगे सो so, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय